नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए चाहे लाख कोशिशें कर ले, चाहे मुफ्त किताबें बांट ले या फिर मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाए, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर ढांचा सही नहीं होगा तब तक सरकारी योजनाओं और उसके मंसूबों का पूरा होना नामुमकिन है। ये समझाने के लिए आज आपको प्रदेश के दो जिलों की अलग अलग दो तस्वीरें सरकारी स्कूल की दिखाएंगे। आप खुद देखिएगा और फैसला कीजिएगा कि क्या ऐसे होगा शिक्षा का विस्तार, ऐसे जगेगी शिक्षा की अलग और क्या ऐसे पढ़ेगा प्रदेश का बच्चा। इन सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि साधु शहर के पास ही के गांव में बने सरकारी स्कूल में टीचर तो शराब पीकर स्कूल आता है और इसी वजह से ज्यादातर दिनों में स्कूल बंद ही रहता है, ताला जड़ा रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र के गांव बिदरका में मांग है कि शिक्षक दे दो सरकार। प्रदेश के अलवर जिले का किशनगढ़ बास क्षेत्र का गांव बिदरका, जहां टीचर्स की कमी के कारण एक स्कूल में बच्चों का जीवन अंधकार में बना हुआ है। स्कूल में 70 बच्चों पर टीचर की संख्या इतनी कि बताते भी शर्म आती है और ऐसी बदहाल स्थिति कुछ महीनों से नहीं, 3 साल से बनी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने शिकायत नहीं की। बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर हो, यहाँ के अभिभावकों, ग्रामीणों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तक ने भी टीचर्स की मांग प्रशासन से, सरकार से भी की, यहाँ पर शिक्षक दे दो सरकार। लेकिन बावजूद इसके मेवात क्षेत्र के स्कूल और मेवात के बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा। चलिए आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अलवर जिले के किशनगढ़ बास क्षेत्र के गाँव बिदरका में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये खूबसूरत वादियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। जितना ही मनमोहक नजारा यहाँ का है, उतना ही इस स्कूल का नहीं है। यहाँ बच्चे तो नजर आ रहे हैं जो दूर दूर से शिक्षा की अलख लिए आते हैं, बाल मन में हजारों सपने संजोए, लेकिन इनके सपने तब धूमिल हो जाते हैं जब उन्हें हर एक विषय के लिए एक ही टीचर पढ़ाता हुआ मिलता है। यही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब अगली कक्षा में जाने पर भी वही टीचर नसीब होता है। तो जरा सोचिए कि कैसे शिक्षा ये बच्चे यहाँ लेते होंगे। दरअसल समस्या यहाँ ये है कि 5वीं तक के स्कूल में 70 बच्चे हैं और 3 साल से मात्र एक ही टीचर है। जी हाँ, सही सुना आपने, 5वीं तक की कक्षा में 70 बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 सालों से एक ही शिक्षक के भरोसे स्कूल है। एक ही शिक्षक होने के कारण बच्चों की नियमित पढ़ाई नहीं हो पाती। यही नहीं, अब तो पढ़ाई पूरी तरह से चौपट्टी हो रही है। तो वही स्कूल की इकलौती टीचर दीप उजाला ने बताया कि ये स्कूल पहले एक निजी झोंपड़ी में संचालित था, अब 5 महीने से इस नए भवन में संचालित किया गया है और तब से अब तक स्कूल में मैं अकेली ही टीचर हूँ जो बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, साथ ही पोषण आहार, डाक और इस तरह के कई काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। लेकिन अब मैं भी परेशान हो गई हूँ और ये सब अकेले नहीं कर सकती। यही नहीं, गुहार लगा लगा कर भी थक चुकी हूँ। जब से ये स्कूल खुला है, जब से मैं यहाँ पे अकेली टीचर का आई हूँ और मुझे 2013 से लेकर 2016 तक 3 साल हो गए हैं और मैं 3 साल से अकेली ही टीचर लग रही हूँ। कितने बच्चों का नामांकन है स्कूल में? यहाँ पे सर, शुरू से जब से मैं आई हूँ, जब से स्कूल खुला है, यहाँ पे 70 से ऊपर का नामांकन हमेशा रहता है। अब पोषाहार की बात करें तो पोषाहार है स्कूल में? पोषाहार तो रेगुलर ही बनता है स्कूल में, बाकी अभी 1 महीने से पोषाहार खत्म है और 2-3 बार सूचना भी दे दी है और उन्होंने बोला है कि पोषाहार आ जाए। लगातार 3 साल से आप ही स्कूल को संभाल रहे हैं? जी सर, मैं मेवात का क्षेत्र है, क्या आपने कभी अपने उच्च अधिकारियों से कहा है कि भाई मेवात का क्षेत्र है, बच्चों में अगर 1-2 और टीचर आ जाए तो ज़्यादा? जी सर, यहाँ पे 70 जो नामांकन है, 70 से ऊपर नामांकन है, उसमें 3 टीचर हमारे स्कूल में होने चाहिए और मैं अकेली संभालती हूँ। 5वीं तक की क्लास है और मैंने कई बार जो है बीओ साहब को भी और कई बार उनको बोला है, बाकी नई पोस्टिंग तो कोई हुई नहीं है और कोई टीचर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और इस सेशन में जबकि CCE स्कूलों में लागू है और उसमें मैं अकेली इतने बच्चों को नहीं संभाल पा रही। जहाँ एक और मेवात क्षेत्र पहले से ही शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां स्कूल के बच्चे शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो वहां शिक्षक नहीं है। ऐसे में कैसे जगेगी यहां शिक्षा की अलग,
तमाम कोशिशें शिक्षा के प्रति अलख जगाने के लिए की जाती है, और जब बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में ये अलख बुझने क्यों लगती है, या यूं कहें कि बुझाने की कोशिश की जाती है। ये हम नहीं, यहाँ के हालात कह रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कई बार शिक्षकों की मांग की गई है। कहा गया है कि शिक्षक दे दो सरकार, लेकिन इसके बावजूद भी मेवात क्षेत्र के स्कूल और मेवात के बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आता, ना प्रशासन और ना ही सरकार। ऐसे में सवाल तो खड़े होते हैं। अलवर के किशनगढ़ बास संवाददाता अटल के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। किशनगढ़ बास से संवाददाता अटल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अटल, यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी शिकायत कहीं पर किसी ने की नहीं है, लेकिन समस्या फिर भी जस की तस, आखिर वजह क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्र के ग्रामीण है और वहाँ के जो जो जनप्रतिनिधि है, उनका ये कहना है कि हम लगातार 3 साल से बराबर विधायक से भी हमने शिक्षकों की मांग की है, और यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी उनसे भी हम उनके पास भी अलवर भी हम कई बार शिक्षकों की मांग को लेकर गए हैं, लेकिन लगातार 3 साल से किसी भी अधिकारी ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं सुनी है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई लगातार 3 साल से चौपट हुए जा रही है। तो अब तो वो जो इकलौती यहाँ पर टीचर है उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, यहाँ पर पोस्ट से लेकर जो डाक की जितने भी काम होते हैं, पोषाहार के जितने काम होते हैं, वो सारे काम इस पर आ पड़े हैं, और इसके अलावा इसने ये भी बताया कि पोषाहार 1 महीने से आया ही नहीं है। आखिर में ये अकेली कितना काम करेगी, अब इस पर भी ये समस्या आ गई है। ऐसे में अगर ये चली जाएगी या जाने की यहाँ पर ये भी एप्लीकेशन लगा देगी, तो तब इस स्कूल का अगर ढांचा देखे तो किस तरीके से नजर आने वाला है? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूंगा कि एक सिंगल टीचर है जिसने बच्चों को पढ़ाई का एक जिम्मा उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है। लगातार उसका यही कहना है कि सर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं लगातार जितना मुझे टाइम मिलता है मैं बच्चों को टाइम भी देती हूं, उसके अलावा डाक का काम भी करती हूं, और लगातार 1 महीने से पोषाहार नहीं आ रहा। इसकी भी मैंने आगे विभाग को मैंने इसको भी लेटर कई बार लिखा है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं की सुनवाई की है। उनका ये कहना है कि अगर मैं चाहूँ मुझे कहीं इमरजेंसी और छुट्टी भी लेनी पड़ जाए तो मुझे हालात स्कूल के ये है कि मैं 1 दिन भी छुट्टी नहीं ले पाती। तो वहीं यहाँ के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, कितनी दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगा, एक गांव है बिदरका गांव है जहां पर जहां आसपास क्षेत्र के लोग बच्चे शिक्षा के लिए आते हैं। लगातार हमारे उनके परिजनों से भी बात हुई, लेकिन परिजनों का भी कहना है कि ये मेवात का क्षेत्र शायद इसलिए यहां के भाजपा के विधायक है, इस कारण वो यहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा अब टीचर का क्या कुछ कहना है, या फिर प्रशासन कुछ यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है? बीओ से किसी से बात की गई, उनका यहाँ पर क्या कहना है, क्या कोई आश्वासन देते हुए नजर आए कि जल्द ही यहाँ पर टीचर्स की नियुक्ति करवाई जाएगी? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल बीओ ने ये कहा है कि मेरे हाथ में नहीं है, जैसे ही शिक्षकों की नियुक्ति होगी जो भी अब नए टीचर आएंगे, और जल्द से जल्द सरकार या जिला अधिकारी उनको वहाँ नियुक्ति मिल जाएगी। अगर उनके हाथ में नहीं है तो आखिर किसके हाथ में है, क्योंकि जो ग्रामीण है वो यहाँ पर समस्या किसे दे? चलिए आपको मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि खुद बीओ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेंद्र यादव जी, उनका रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। हाँ जी नरेंद्र जी, यहाँ पर बिदरका में जो सरकारी स्कूल है, बड़ी स्थिति खराब है, 70 बच्चे पढ़ते हैं 5वीं तक, लेकिन सिर्फ एक ही इकलौती टीचर यहाँ पर उनको पढ़ा रही है, कोई भी शिक्षक यहाँ पर उसकी नियुक्ति नहीं की गई, वजह जानना चाहती हूँ। सर, ये राज्य सरकार की स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वेच्छा से टीचर लगाए गए, 35 स्कूल मेरे पास सिंगल है। ठीक है, और वो सारी जिला स्तर की कार्रवाई के अनुसार की गई है जी, और बीओ को अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो अभी सिंगल टीचर को डबल करने की। क्या यहाँ पर इस तरीके से भी फरमान आया था कि 70 बच्चों के लिए एक टीचर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, आरटी रोम्स के अनुसार 70 के लिए 3 टीचर चाहिए। तो फिर 2 टीचर अतिरिक्त जो लगाने चाहिए वो यहाँ पर क्यों नहीं लगाए गए, यही तो मैं वजह जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो ग्रामीण है या अभिभावक है वो समस्या आप तक ही तो पहुँचाएंगे, आप पर भी जिम्मेदारी बनती है, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिला स्तर से ही पोस्टिंग दी जाती है, इसे मेरे निर्देश नहीं पिए कि देने के लिए, और मेरे पास करीब 196 टीचरों के रिक्त पद पड़े। तो क्या आप ये समस्या उन तक पहुंचाना नहीं चाहते, या फिर आप पहुंचाना, वजह क्या है, क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये जिला स्तर को मालूम है, जिला स्तर पर ये सूचना उपलब्ध है। तो ये लापरवाही क्यों हो रही है? ये तो जिला स्तर के से ही
अधिकारी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको तो ये जानकारी होगी, वजह क्या है, क्या कोई टीचर्स यहाँ पर आना नहीं चाहते, आप बोल रहे हो कि लंबित पड़े हैं, टीचर उपलब्ध नहीं है, वही तो मैं तो नियुक्ति निकालिए ना, कोई तो यहाँ पर समस्या का हल होगा, जैसे एक टीचर यहाँ पर है 3 साल से यहाँ पर है, 70 बच्चे हैं, अगर दूसरे यहाँ पर टीचर्स भी आते हैं तो मेवात क्षेत्र है, ज्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, गंभीर नजर नहीं आते, लेकिन जब यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते तब आप टीचर्स उनको उपलब्ध नहीं करवाते। नहीं, टीचर उपलब्ध मैं तो करवा दूं, पर मेरे पास मूल रूप से राज्य सरकार से नियुक्ति ने आदेश नहीं आया जब तक मैं समस्या भी आप उन तक पहुंचाइए जो आगे समस्या पहुंचा सके, एक जरिया तो बन सकता है, एक जरिया तो बन सकता है, मेरी लिखित सूचना उनके पास है सर। ठीक है, उनका क्या कहना है, आगे क्या कार्रवाई यहाँ पर या प्रक्रिया ऐसी क्या है कि ये समस्या उन तक पहुंचाई जाए सरकार तक, और उसके बाद यहाँ पर कोई आदेश हो, कोई निर्देश यहाँ पर हो? मुझे नई नियुक्ति टीचर की मिल जाएगी, तो ये उन तक पहुंचाएगा कौन समस्या, यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये पहुंचाई हुई है सर, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा? सूचना रिक्त पदों की सूचना राजस्थान शाला दर्शन पे पड़ी हुई है, यानी कि अब एक जो समस्या है कि रिक्त पद खाली है इसलिए टीचरों की भर्ती यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन हाँ। जहाँ पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर भी शायद रिक्त पदों को देखा जा रहा है कि एक साथ जब भर्तियां निकलेंगी उसके बाद उन खालियों को भरा जाएगा, क्या ये समस्या यहाँ पर, वजह क्या है, वही तो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। रिक्त पदों के तो जिला स्तर से पदस्थापन देने के बाद में ही भरी जाएगा मैम। कब कब तक होगा, कोई आश्वासन है या आपको ये कोई जानकारी है कि जिला स्तर से ही संपर्क करने के बाद में ही पता पड़ेगा सर? आप उनसे संपर्क नहीं करते या फिर आपको मना ही है कि आप उनसे संपर्क कर नहीं सकते? मैं लगातार कर रहा हूँ। तो आपको पता ही नहीं कि कब तक यहाँ पर नियुक्ति होगी? नहीं, वो कोई आश्वासन दे ही नहीं रही इस चीज के लिए। चलिए, समझ से परे है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। बीओ साहब जो है वो कुछ भी कहते नजर नहीं आ रहे, या फिर शायद उनको कोई जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी वो जुटाना नहीं चाहते। शिक्षा के अंधेरे के साए में यहाँ पर बच्चे पढ़ने को मजबूर है, बालमन है, सपने संजोए यहाँ पर आए, लेकिन हैरान हो गए कि पांचवी तक के लिए एक ही टीचर है, यानी हर साल वही टीचर, हर विषय के लिए एक ही टीचर, दूसरे टीचर्स कहाँ होंगे, ये इन लोगों के लिए भी समस्या पड़े हैं। ग्रामीण लगातार यहाँ पर सवाल खड़े करते हैं, ये भी नहीं है कि प्रशासन तक सरकार तक समस्या नहीं पहुंचाई गई। बीओ साहब जो है उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। वहीं हमारे संवाददाता अटल भी हमारे से जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया अटल तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। यहाँ पर समस्या बड़ी है, गंभीर है, कब तक समाधान होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद बात करने वाले एक और ऐसे सरकारी स्कूल की जहां पर शराबी शिक्षक है और स्कूल पर ताला चढ़ा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद